तो आप सब लोग समझ लो कि मैं किसी को बदल नहीं सकता हूँ, किसी का बिहेवियर बदल नहीं सकता हूँ, किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। उसने कैसा बदलना चाहिए मेरे हाथ में नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे हाथ में। एक ही बात है, एक ही है कि मैं कैसा बिहेव करूँ। उसने मुझे टॉर्चर किया तो मैंने क्या करना चाहिए वो मेरे हाथ में है। वो टॉर्चर करेगा नहीं करेगा, वो बात करेगा नहीं करेगा, वो बात नहीं करेगा तो मैंने क्या करना चाहिए वो मेरे कंट्रोल में है। तो वो करना है आपको। ऐसा नहीं है कि भाई उसने वो नहीं करना चाहिए, उसने वो नहीं करना चाहिए, इसने ऐसा करना चाहिए, उसने वैसा करना चाहिए। ऐसा तो जीवन नहीं होता जीना, क्योंकि लोग तो कैसा भी करेंगे, लोग तो कैसा भी बिहेव करेंगे, तो उसमें हम उनको क्या बोलेंगे। कुछ भी करेंगे लोग उनका बिहेवियर, राइट। तो ऐसा नहीं होता है। अभी हम देखेंगे कि पिछले बार हमने जो देखा था कि हम चार तरह से लोगों को सुनते हैं अलग अलग। पहला है डाउनलोडिंग। डाउनलोडिंग मतलब पूर्वग्रह दूषित लोगों को हम सुनते हैं। पहला है डाउनलोडिंग, पूर्वग्रह दूषित लोगों को सुनना। पहले से ही मालूम है कि लोग क्या बोलने वाले हैं, पहले से ही मालूम है कि लोग क्या कहने वाले हैं, ऐसा उनको सुनना, पूर्वग्रह दूषित सुनना पहला। फिर दूसरा लेवल हमने और हमना हमारा बढ़ाना चाहिए, वो है लिसनिंग फ्रॉम हैबिट्स। मतलब सॉरी, लिसनिंग फ्रॉम हैबिट्स मतलब डाउनलोडिंग है, डाउनलोडिंग है, लोगों को अपने आदत से सुनना। तो लेवल टू क्या है? लेवल टू हमने देखा है कि लिसनिंग फ्रॉम हार्ट, हृदय से, जिन उनके हृदय से अपने हृदय को कनेक्ट करना, एम्पथी, सहसंवेदना, वहां से लोगों को सुनना कि उसको कैसा दिख रहा है, उसको कैसा लग रहा है, वहां से सुनना, लिसनिंग फ्रॉम हार्ट। उसको जैसा लग रहा है वैसा है मुझे लगना चाहिए, उसको जैसा दिख रहा है वैसा है मुझे दिखना चाहिए, मतलब उसके नजर से मैंने देखना है, उसको बोलते हैं लिसनिंग फ्रॉम हार्ट। फिर तीसरी लेवल है लिसनिंग फ्रॉम माइंड, मतलब ओपन माइंड से सुनना, लिसनिंग फ्रॉम आउटसाइड, खुले दिल से सुनना, कर्टन बाजू करो और कर्टन बाजू करके देखो क्या है। हम लोगों को कर्टन सामने रख के देखते हैं, कर्टन सामने कैसा क्या देखेंगे लोगों को, तो कर्टन बाजू करके लोगों को देखना, लिसनिंग फ्रॉम आउटसाइड। और क्या होता है, लिसनिंग फ्रॉम सोर्स, लाइक फ्यूचर से सुनना, फ्यूचर से, जनरेटिव लिसनिंग बोलते हैं, लिसनिंग फ्रॉम फ्यूचर दैट इज गोइंग टू इमर्ज, वहां से लोगों को सुनना, ये हमने देखा हुआ है, राइट। तो फिर हमने देखा है कि हमारे तीन एनिमीज है सुनने में। पिछले बार हमने देखा, एक है वॉइस ऑफ जजमेंट, वॉइस ऑफ जजमेंट। तो वॉइस ऑफ जजमेंट मतलब लोगों को न्याय निवाड़ा करना, लोगों को जज करना, ये हमारा पहला चलता है। तो उसको कैसे डिफीट करना, उसका कैसा पराभव करना, तो उसका पराभव करना है वॉइस ऑफ जजमेंट। मतलब हम लोगों को जज करते रहते, ये ऐसा है, ये वैसा है, दुबला है, पतला है, ये अकड़ू है, ये नकली है, ये तो गुस्से वाला है, ये तो ज्यादा अगो है, ये तो इगोइस्टिक है, ऐसा सासू मतलब ऐसी है, पॉलिटिकल मतलब ऐसा है, ऐसा पहले से ही। तो जजमेंट ना लगाते हुए उसको सुनना, क्यूरियोसिटी से, क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी, कुतूहल, बाय आस्किंग क्वेश्चंस, उसको सवाल करना है वो क्या बोल रहा है, देखना है कि क्या नया डाटा मिल रहा है, नया डेटा क्या मिल रहा है, वहां से देखना है क्या नया डेटा मिल रहा है, ये क्या नया बता रहा है, क्या नया देख रहा है, मतलब ऐसा क्यूरियोसिटी से उसको सुनना, ये हमने देखा। फिर हमने देखा कि सिनिसिज्म जो होता है, मतलब नकारात्मकता जो हमारे में है, उसको यदि बीट करना है तो हमने कंपैशन से लोगों को सुनना है। कंपैशन, कंपैशन मतलब करुणा, प्यार, वहां से लोगों को हमने सुनने का है, ठीक है ना। कंपैशन टू सी फ्रॉम हिज, मतलब हार्ट टू हार्ट कंपैशन, वहां से सुनना है। और वॉइस ऑफ फियर जो है, वॉइस ऑफ फियर मतलब डर जो लगता है अपने को, और डर से हम बर्ताव करते हैं, तो हमको देखना है बाय करेज, साहस से लोगों को सुनना है। और साहस से कैसा सुनना है, फ्यूचर से सुनना है, फ्यूचर भविष्य में क्या होने वाला है, मैं अब इससे बात कर रहा हूं तो भविष्य में क्या बताएगा, भविष्य में क्या होगा, वहां से हम सुनेंगे, ठीक है ना। तो ये है अलग अलग तरह सुनना और
उसको बीट कैसे करना वो मैंने बताया। इसमें समझ में आ रहा होगा आपको, नहीं समझ में आ रहा होगा इसको ये पूछना है तो पूछो, इसको कोई सवाल है तो पूछो, तो आप हाथ ऊपर कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। यस नवीन जी भाटिया बोलिए। सर मुझे नहीं पता कि कैसे करते हैं, इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे, क्योंकि हर आदमी एक तरीका होता है जिसके पास जाना होता है, जैसे पूर्वा भाव बना होता है सामने वाले के लिए, उसकी जजमेंट होती है, एक प्रिपरेशन करके जाता है कि वो ऐसा ही बोल रहा होगा, हम ऐसा जवाब देंगे, तो इसका स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे कि हम सामने वाले को सुन सकें। नहीं हो पाता, मैं आपको जैसे कि मैं काफी टाइम से आपसे जुड़ा हूं, लेकिन जिसके साथ में एक पूर्वाभाव बना होता है, आप उसके पास जाते हो उसी तरीके से, बिल्कुल जैसे अटैकिंग मोड होता है, कई बार इमोशनल मोड होता है, आप वैसे ही बात कर, मैं ऐसे ही बात कर पाता हूं। कैसे करना, कैसे है मुझे ये अभी इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, जो मैं बोल रहा हूँ ना ये दिमाग में रखना है और प्रैक्टिस करना है हर बार। अभी ये ऐसा बोलते हैं लोग, कैसा रबर बैंड, पक्का छोटा रबर बैंड लगा लेना, किसी से बात करना चालू करना है ना, हैबिट लगा देना कि ऐसा जोर से खींचना, रब से लगना चाहिए हाथ को, और बोलना है कि मैं अभी सामने वाले को जजमेंट से सुनूंगा नहीं, अभी मैं ओपन माइंड से सुनूंगा, ओपन हार्ट से सुनूंगा, ऐसा अपने आप को बोलना है। ऐसे कुछ भी हैबिट लगानी पड़ेगी। ये प्रैक्टिकल आपने मुझे जवाब दे दिया, मैं कल एक रबर बैंड ले आऊंगा टाइट वाला, बिल्कुल, और जब भी बात करते समय रबिनी से पता चले कोई चीज कर रखा है, मुझे उसको जजमेंट नहीं करना है, ध्यान से सुनना है, जोर से लगाना, ये मेरे को प्रैक्टिकल एक अप्रोच हो गई। और हाँ है ना, जोर से लगना चाहिए है ना, जोर से ऐसा लगना चाहिए कि अरे साला मैं ना जजमेंट सुनता हूँ। और कोई बोर्ड वगैरह? हाँ बोर्ड, अपन यहाँ बैठे है, समझो मैं बैठा हूँ और मैं यहाँ बैठ के पेशेंट देख रहा हूँ और मेरी ये सीट है, तो सामने मैं लगा सकता हूँ बोर्ड के ऊपर कि मैंने ओपन माइंड से लोगों को आज सुनना है, 10 बार बोलो, अलार्म लगाओ अपने घड़ी में, मोबाइल के घड़ी में हर आधे आधे घंटे का अलार्म लगाओ और वहां लिखो मुझे ओपन माइंड से सुनना है, घंटी बजते जाएंगी। सर मुझे ओपन माइंड सुनना है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे बात करें, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे बात करें। अगर मैं किसी चीज के लिए 4 साल से ट्राई कर रहा हूं, 4 साल के बाद में मैं उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और 4 साल के बाद में मुझे कोई आदमी धोखा दे के वो चीज मेरे से ले जाता है, या जो चीज मुझे मिलनी थी वो नहीं मिली, अब मैं उसके सामने कैसे पूर्वाभाव से बनाऊं कि वो सामने वाला मेरे साथ ने बेईमानी भी करी, 4 साल मैंने इन्वेस्टमेंट भी करी और उसके बाद में मुझे धोखा मिला, अब मैं कैसे पूर्वाभाव बनाऊं कि वो सही है? नहीं नहीं वो सही है यार, अभी करना क्या है वो छोड़ दो, अभी वो पास्ट हो गया, अभी आपको करना क्या है वो देखो ना, अभी करना क्या है वो हो गया, तो 4 साल की मेहनत थी ना, हाँ, सब कुछ चला गया 4 साल का, गया, सो व्हाट अपन पास में यदि डूबते बैठेंगे है ना, पास में रहेंगे तो आगे तो कुछ होंगे ही नहीं। चलो हो गया 50 साल का, अभी मैं ऐसे भी लोग हैं कि जिनकी पूरी दुकान जल गई, 50 साल पुरानी दुकान जल गई, और दुकान जलने के बाद में वो तो 50 साल का पूरा क्रेडिबिलिटी, दुकान जल गई, सब हो गया, 2 करोड़ का नुकसान हो गया, तो आपके सामने मतलब एक ऐसी घटना हुई है वो मैं बात कर रहा हूँ, अभी उनके सामने चॉइस है कि अभी रोते बैठना कि दुकान जल गई, दुकान जल गई 50 करोड़ का या 2 करोड़ जो भी है, 2-3 करोड़ नुकसान हो गया, अब कैसे करेंगे, ये रोना है, या फिर उन्होंने दुकान के सामने ही जो दुकान में बेचते थे माल रोड पे लाया, बेचना चालू किया दूसरे दिन, बोले दुकान जब तैयार करेंगे तब तैयार करेंगे, जो हो गया वो हो गया, अभी रोड पे खड़े रह के मैं माल बेचता हूँ, अब चॉइस आपका है, जो हो गया वो हो गया, अभी क्या करना है वो करो, रोते बैठना है पास्ट में, रोते बैठना है तो रोते बैठना है, आपको लगता है कि नहीं 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 मैं कुछ तो भी करना चाहिए उसमें, क्योंकि सेम एक्शन हम लेते रहे 5 साल, वही एक्शन लेंगे तो वही रिजल्ट मिलेगा, तो मैं मुझे यदि वो मिलाना है तो मुझे एक्शन बदलनी पड़ेगी, क्या संभव है नया देखना पड़ेगा, नए तरीके से करना पड़ेगा, नए सिरे से करना पड़ेगा, क्योंकि वही वही करता रहा तो वही वही मिलेगा, राइट, तो अभी फ्यूचर में मुझे वही चाहिए तो मुझे एक्शन बदलनी पड़ेगी,
जो भी करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, जो वो फील्ड में सक्सेसफुल है उनसे बात करनी पड़ेगी, कोच को बात करनी पड़ेगी, अपने आप से बात करनी पड़ेगी, एक्शन बदलनी पड़ेगी। चींटियां जो है ना, चींटियां होशियार है अपने से, मालूम है चींटियां कितनी होशियार है। चींटियां आप देखो एक लाइन में चालू रहती हो, एक लाइन, लाइन भी तोड़ेंगी नहीं, लाइन तोड़ेंगी नहीं, एक लाइन में। और समझो अभी सामने आपने ऐसा, वहां ये लाइन में चल रही है, अभी समझो सामने अभी आपने मोबाइल ला के रख दिया, ठीक है, तो चींटियों की लाइन खड़ी नहीं रहेंगी वहां, चींटियों की लाइन खड़ी नहीं रहेंगी, वो इधर से चालू करेंगे, बाजू से निकल जाएंगे, वहां से लाइन लगा दें, क्योंकि उनको मालूम है यहाँ खड़े रह के मतलब नहीं है, यहाँ तो बड़ा पत्थर रखा हुआ है मतलब नहीं, तो अभी लाइन बदलो भाई, अलग एक्शन लो, अलग एक्शन लेंगे चले जाएंगे। हम क्या करते हैं, वहीं खड़े रहेंगे, मगर ऐसा क्यों, मेरे सामने ऐसा पत्थर क्यों रखा, या ऐसा क्यों हुआ, नहीं मैं तो ऐसे ही करूंगा। अरे भाई छोड़ना, 5 साल नहीं कर सके, अभी क्यों करना है, अभी नहीं जम रहा है, छोड़ दो, नहीं तो नहीं एक्शन लो, नया कुछ तो भी करो। 5 साल में धंधे में घोटाला हो गया, धंधा नहीं हुआ, ठीक है चलो छोड़ दो, वो तरीके से नहीं हुआ, लॉस हो गया, अब वही धंधा करना है, नए तरीके से करना पड़ेगा। सो नाइस सर, थैंक यू सर, क्या नाम है, अभी थोड़ा सा डिप्रेशन की स्थिति है, देखते हैं निकलते हैं फिर कैसे करेंगे, अभी कुछ प्लान करते हैं आगे। जिंदगी चुनाव का परिणाम है, अपनी जिंदगी चुनाव का परिणाम है, हम चुनाव क्या करते हैं। डिप्रेशन में, डिप्रेशन आना कोई बुरी बात नहीं है, डिप्रेशन में रहना ये बुरी बात है। गिर गए गड्ढे में तो कोई बुरी बात नहीं है, गिरे रहना और उठना ही नहीं गड्ढे में से वो बुरी बात। गिर गए तो उठो, कपड़े झटको, बोले ठीक है गिर गया था मैं, उठो काम पे लग जाओ, क्या प्रॉब्लम है, नहीं ऐसा क्यों हुआ, मैं गिरा क्यों, भगवान ने ऐसा क्यों किया, ये मेरा कितना खराब लक है, कितना बैड लक है कि मैं गिर गया, मगर ऐसा होना नहीं चाहिए, रोते रहो या कपड़े झटको आगे बढ़ो। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। अभित पटेल बोलिए, अभित पटेल, अभित पटेल अनम्यूट करो। हाँ बोलिए डॉक्टर साहब, बोलिए। हाँ वही मेरे को एंजाइटी तो 14 मतलब संबंध 2014 से, हाँ तो मेरे को क्या है ज्यादा शिकायत पेट की रहती है, पेट के विकार जो है वही ज्यादा होते हैं। नहीं अभी भाई हम वो बात नहीं कर रहे, अभी जो मैं बात कर रहा हूँ उसके ऊपर बात करनी है, अभी जो बात कर रहा है किया मैंने कि हम लोगों को सुनते कैसे है, उससे हमारे रिश्ते खराब कैसे होते हैं, है ना, हम लोगों को पूर्व जो मैंने अभी बोलो ना उसको चिपक के बात करो, क्योंकि अभी अपने पास में तो 1000 टॉपिक है, तो 1000 टॉपिक के ऊपर तो हम बोलेंगे नहीं, अभी हमारा चालू है सुनना कैसे, है ना, सुनना कैसे वो चालू है। यस आचल घाटो, अभी हम बीमारी के बारे में बात नहीं करेंगे, बीमारी के बारे में मैंने कल सेशन लिया था हिप्नोटिज्म का, हिप्नोटिज्म का कल सेशन मैंने लिया था, 1 घंटे का सेशन था, बहुत बढ़िया सेशन हुआ, और हिप्नोटिज्म से अपनी एंग्जाइटी कैसे दूर करें उसके बारे में मैंने बताया था। आचल घाटोल बोलिए। यस सर, हाउ टू इम्प्रूव अवर कम्युनिकेशन स्किल। हाँ कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है बोलिए, सुनना, कम्युनिकेशन संवाद कौशल्य में पहले सिखाया जाता है हाउ टू लिसन, और वही हम बात कर रहे हैं कि लोगों को सुनना कैसे, कैसे अच्छे सुना जाए लोगों को, पूर्वाग्रह दृष्टि सुनाया जाए कि क्यूरियोसिटी से सुनाया जाए, क्यूरियोसिटी। तो जब आप सुनना चालू करेंगे ना तो ही आप किसी से बात कर सकते हैं, नहीं तो क्या होता है कि वो बात कर रहा है मैं सुन नहीं रहा हूं और मैं देख रहा हूं ये कब रुकेगा, और ये रुक गया कि मैं चालू कर देता, वो तो रुका भी नहीं अभी, मैंने सुना भी नहीं वो क्या बोल रहा है, उसके पहले ही मैं चालू कर दूं, फिर उससे क्या होता है संवाद ही होता नहीं, क्योंकि वो जो बोल रहा है वो मैंने सुना ही नहीं, फिर मैं क्या बोलूंगा, मैं भलते ही बोल रहा हूँ, वो भलता बोल रहा है, और कम्युनिकेशन होगा नहीं।
तो सबसे पहले जो वो सामने वाला बोल रहा है वो सुनना है, अपने दिमाग में एक आवाज चालू है, कंटिन्यूअसली अपने दिमाग में आवाज चालू है, आप अपने आप से बात कर रहे हो, चिक 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 चालू है अपने आप से बात करना, ये ऐसा क्यों हुआ, वो वैसा क्यों हुआ, ये आदमी ऐसा है, वो आदमी वैसा है, फलाना है, धमाका है, हमका है, ढमका है, चालू अपने आप से बात कर रहे, अपने बारे में अपने आप से बात कर रहे, लोगों के बारे में अपने आप से बात कर रहे, वो चालू है। मगर अभी हम देख रहे हैं कि कम्युनिकेशन स्किल हमको यदि अच्छी करना है तो पहले हमको सुनना चालू करना पड़ेगा।